पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से तो इतने कुछ संकेत है नहीं। कल मेमोरियल डे के मौके पर यूएस और यूके के बाजार तो बंद थे, तो वहां से ज्यादा कुछ ट्रिगर्स नहीं है आज के लिए। लेकिन एशियाई बाजारों को देखेंगे तो वहां पर शुरुआत मिली जुली नजर आ रही है। हालांकि सुबह हमने देखा था कि हांगकांग के बाजार भी नीचे थे, लेकिन निचले स्तरों से लगातार गिरावट देखने के बाद आज निचले स्तरों से हल्का सुधार देखने को मिल रहा है। कोरिया के बाजार भी इस वक्त 25 अंक ऊपर हैं। जापान के बाजार लेकिन लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। एक्सचेंज निफ्टी अच्छी मजबूती के साथ, हालांकि सपाट है लेकिन हरे निशान में इस वक्त और 18,700 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। वहीं चीन के बाजार में भी हल्की यहाँ पर मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये हैं ग्लोबल मार्केट से संकेत। कुछ इंपॉर्टेंट जो खबरें आई वो आपके सामने एक एक करके रख देते हैं। एशियाई बाजार में इस वक्त डेट सीलिंग पर जो वोटिंग कल होने वाली है, तो उसके पहले हम देख रहे हैं कुछ मिलाजुला कारोबार देखने को मिल रहा है। वहीं चीन में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अब रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गई है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और चीन के कंज्यूमर जल्द ही प्री कोविड स्तर पर नहीं आएंगे, जो कंजम्पशन है वहां पर, जो कि स्टारबक्स के लिए नेगेटिव हो सकता है, ये कहना है मॉर्गन स्टैनली का। तो चीन में कुछ ऐसा डेटा पॉइंट्स निकल कर आ रहा है। बाकी बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी ज़्यादा कुछ रिएक्शन हमने नहीं देखा। तो ये हैं इस वक्त के कुछ ट्रिगर्स। और आज जब यूएस और यूके के बाजार वापस खुलेंगे तो वहाँ से फ्रेश ट्रिगर्स मिलते हुए हमें दिखाई देंगे। फिलहाल एशियाई बाजारों को देखें तो सपाट ही यहाँ पर ओपनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईएस और डीआईएस का भी अपडेट ले लेते हैं। और यहाँ पर कल हमने देखा कि एफआईएस की तरफ से लगातार जो खरीदारी है वो जारी है। कैश मार्केट में एफआईएस 1758 करोड़ की खरीदारी करके गए। घरेलू निवेशकों की बात करें तो उन्होंने भी कैश मार्केट में 853 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर में 161 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में 11,220 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नज़र आ रहा है। तो ये है इस वक्त एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े। और ओवरऑल देखें तो संकेत यहाँ से भी ठीक ठाक ही हैं। कैश मार्केट में जो एफआईएस की तरफ से लगातार बाइंग है वो अभी भी जारी है। कल रिकॉर्ड लेवल्स हमने बैंक निफ्टी के तो देख ही लिए थे। निफ्टी में अभी भी इंतज़ार है, वो करीब 100-150 पॉइंट्स अभी भी दूर है रिकॉर्ड स्तरों से। लेकिन देखना होगा, जिस तरह से बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, निफ्टी भी हो सकता है ज़्यादा समय ना लगाए अपने रिकॉर्ड लेवल्स देखने में। इसको हम आगे समझेंगे कि क्या करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में आगे। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि कल के लेवल्स अगर देखें तो बैंक निफ्टी में करीब 290 अंकों की तेज़ी कल देखने को मिली, वहीं निफ्टी में 99 अंकों की क्लोजिंग देखने को मिली है। अब आगे थोड़ा डेटा भी समझने की कोशिश करेंगे कि कल एफआईआईस क्या करके गए और इसके अलावा एफएनओ मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं आज के लिए, और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिनको कि हमें वॉच करना चाहिए, ये हम आगे समझेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में डिम्पी कारवा शामिल होंगे फ़ोन लाइन पर, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कल के जो डेटा आए एफएनओ मार्केट से वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ बाजार पर रणनीति शेयर करने के लिए नितलेश भी जुड़ेंगे, जो कि बताएंगे कि फिर आज के मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। क्योंकि कल जब हम बात कर रहे थे तमाम एक्सपर्ट से, सबका ये कहना था कि थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन ओवरऑल जो टोन है बाजार का वो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। खैर, अब फोन लाइन पर हमारे साथ डिम्पी कारवा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, सबसे पहले तो कल का पूरा ट्रेड सेटअप बताइए, किस तरह का एक्शन देखा कल एफएनओ मार्केट में और एफआईएस कल क्या करके गए? देखिए, कल मार्केट के अंदर जो गैप अप ओपनिंग हुई है उसने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स को दिखाया। फर्स्ट, बैंक निफ्टी पे ऑल टाइम हाई हमने टेस्ट किया और दूसरा 18,500 के लेवल को हमने ब्रेक किया निफ्टी पर भी। ऑल दो हम ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर निफ्टी में, बट कल का जो ट्रेड हुआ है वो सिर्फ गैप अप का ट्रेड था। उसके बाद की जो पोजीशंस बनी है वो सिर्फ ना के बराबर है, इसलिए आप देख पाए होंगे कि जो ओपनिंग में हमको लेवल्स मिले थे उसके बाद हम दिन भर से उन लेवल्स को थोड़ा सस्टेन करने में मुश्किल साबित होती रही। कल जब बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर ओपन इंटरेस्ट था, दोनों के अंदर ही 1% से कम था। और हालांकि प्रीमियम अभी बना हुआ है, सीरीज की शुरुआत है, तो थोड़ी बहुत पोजीशंस को भी रहेंगी, लेकिन डाइजेस्टिंग के लिए आज का दिन पूरा दिन मार्केट ये निकाल सकता है। हो सकता है स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल आने के बाद कुछ हद तक ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को अनवाइंड भी करते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, कंसोलिडेशन हो लंबा। बट हाँ, ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट अभी भी काफी बुलिश है। मार्केट के लिए एक नया सपोर्ट एरिया है जो कि 44,152 का है। जब तक अब ये भी ब्रेक करता तब तक आप नए वीक जोन में जाएंगे नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, निफ्टी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वो है 18,400। जब तक आप इसको ब्रेक नहीं करेंगे वापस वीक जोन में जाएंगे नहीं, तो इसलिए मार्केट के अंदर थोड़ा कंसोलिडेशन रह सकता है और थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होके काम करना ज्यादा अच्छा है बजाय अगर आप इंडेक्सेस में इस समय हैं तो।
बिल्कुल, तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए, इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी आपको बता दिए हैं। थैंक यू सो मच डिम्पी, आज ये रणनीति, ये सेटअप हमें समझाने के लिए। से तो हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उनके स्ट्रैटेजीज हैं हमारे पास, जैसा कि डिम्पी सुबह बता रहे थे कि इंडेक्स को छोड़कर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, तो उसके लिए हम कुछ ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखते हैं क्विकली। चोला इन्वेस्टमेंट में ये बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं, नितलेश की तरफ से राय है 1055 के नीचे लेकिन बिकवाली करके चलिए, टारगेट होगा 1010 का। और कोलगेट पामलिव में खरीदारी करने की राय है, लेकिन ये भी कंडीशनल कॉल है, 1610 के ऊपर इसको खरीदिए कोलगेट को, और स्टॉप लॉस होगा 1595 का, 1635-1650 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये दो कॉल्स हैं निदेश की तरफ से, अब क्विकली आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस